कैसे मेरे भाई के साथ नाइंसाफी हुई है, कैसे मेरे भाई को दबाया गया, कैसे मेरे भाई का नरसंहार किया गया, मेरे फादर के घर को चाहे मेरे ग्रैंडफादर घर को लूटा गया, कैसे जरिया बनाया गया एक मैनेजर के द्वारा। ये एफआईआर करते है, मुझे कहानी पता नहीं थी, ये एफआईआर करते है, उसी को आधार बनकर वही पेपर लेके मनीष कश्यप का जरिया बना दिया। हाँ वही पेपर लिया हमसे, हमने इसने बोला कि आप दे दीजिए, जब कैसे किया तो इनको तो मालूम नहीं ना था कि गेम खेलेगा मैनेजर। अब देखिए कहाँ कैसे मेरे भाई के साथ नाइंसाफी हुई है, कैसे मेरे भाई को दबाया गया, कैसे मेरे भाई का नरसंहार किया गया, कैसे मेरे भाई के मेरे घर को मेरे फादर के घर को चाहे मेरे ग्रैंडफादर घर को लूटा गया, कैसे जरिया बनाया गया एक मैनेजर के द्वारा। ये एफआईआर करते है, मुझे कहानी पता नहीं थी, ये एफआईआर करते है, उसी को आधार बनकर वो एफआईआर करता है। ये एक गरीब की आवाज मुझे दिखाना, मेरा थाना पर एक्शन नहीं ले गया तो उसका बाद जाकर हमने कोर्ट में क्योंकि उसमें रुपया 20-25 हजार हमारा रुपया खर्चा हुआ है। थाना पैसे बहुत लोगों को भी दिया, उन्होंने कुछ कुछ नहीं सलाम सुना। थाना पर क्यों दिए थे? थाना पर पैसा जब मजबूरी से मांगा था, मजबूरी मेरे पास तो था, इसलिए कि हाँ यानी घूस दिए थे। हाँ घूस दिया था उस टाइम। आप देखिए गरीब इंसान से भी आज घूस लिया जा रहा है, जो कि डे के 300 रुपए कमाते हैं, 20 हजार रुपए दिया गया था पैसा उसने मांगा, हमने पैसा वहाँ नहीं दिया। अच्छा जाकर हमने बोला कि 20 हजार रुपए देंगे तो क्या पता मेरा काम कीजिएगा नहीं कीजिएगा, जाकर कोर्ट में केस किया। और चुपी चाची बड़ी यहाँ के मुखिया जो भी हो, क्या आपको इनका इनके दर्द को नहीं दिखते? जो इंदिरा आवास आती है क्या इनको देने के लिए सक्षम नहीं है क्या? जो भी मुखिया हो, मुझे पता नहीं कौन मुखिया है और क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या इनकी स्थिति नहीं है कि इंदिरा आवास इनको दिया जाए? इतनी गरीब स्थिति में फिर भी इनको घर कम से कम बना तो दीजिए। नहीं हो तो मुखिया के बस की बात नहीं है तो सरपंच हो चाहे पंचायत समिति हो या गांव के जो भी लोग हैं बुद्धिजीवी हो, मिलके कम से कम घर तो बना लीजिए। चलो कुछ भी होगा आप भी हेल्प करो, मैं भी हेल्प करूंगा, मैं खुद अपने भाई के लिए मैं पैसे मांग रहा हूँ, लेकिन उस स्थिति में घर बनाने की स्थिति में मैं भी कुछ हेल्प करूंगा। आप सभी से निवेदन है कि इनकी घर को बनाने के लिए चाहे इसकी इनकी माली स्थिति को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ हेल्प किया जाए। जैसे लास्ट में वो से ये पूछा था नहीं कि वो केकरा पे उम्मीद करो तनी, अब देखिए अब सरकार अब का करता का धरता, तो हमारा बॉस के बात तो नहीं है, अब कोर्ट में अब केस कोयले बनी, कोर्ट से थाना पाइल बा FIR भइल बा 962, तो अब रहल बात कि अब का करता प्रशासन, अब तो प्रशासन ने बताई जी हमें कौन बॉस के बात बा। देखिए यही परिवार के घर है, घर की स्थिति दिखा दीजिए किस तरह से घर की स्थिति है, और ऐसे ऐसे गरीबों की जब आवाज उठा जाता है तब उसके घर पे तो आपको क्या पता चला है? मैंने सोचा कि मैं आया था, बीती आया था, सोचा कि मेरे भाई की बर्बादी कहानी थोड़ा मैं देखूं कैसी बर्बादी कहानी है। तो बताया कि हाँ जो वहाँ पे पास पकड़ के पास में एक घर है, वो एक बर्बादी कहानी है। जब आया देखें मैं भी इन सब सोचा कि मैं क्वेश्चन करूँ कि आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाया, मेरे भाई चले गए। तब इनकी माली स्थिति में देखा कि एक फूस की घर है और 300 रुपये पर डे कमाते हैं, परिवार भी है, सब कुछ है, और इनके अकाउंट से 1 लाख समथिंग इनका फ्रॉड हो जाती है, 1,38,000। जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि कुछ भी फ्रॉड होती है तो बैंक और प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर अकाउंट का एक लिमिट तय किया जाता है कि इतने इंश्योरेंस होती है, बैंक करप्ट हो जाए या कुछ भी हो जाए तो 5 लाख तक हमारा अकाउंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक RBI उठाती है। 5 लाख तक अगर बैंक करप्ट भी होती है तो 5 लाख तक रिस्पॉन्सिबिलिटी RBI की है। अगर इनके अकाउंट से फ्रॉड हो जाती है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा? और कोई इनकी कहानी को बया कर दिया तो इतनी मिर्ची लग गई कि आप FIR कर देते हैं। अगर आप इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए रहते तो मेरे भाई की जरूरत वहाँ पर नहीं पड़ती, लेकिन मजबूरन बस उसको आना पड़ा और इनकी आवाज़ बनना पड़ा वहाँ पे। जैसे ही आवाज़ बनती है सारी जगह हर जगह तबाही मच जाती है कि हाँ जी मेरी कहानी तो निकल गई,
मेरा तो जो मैंने किया है उसकी कहानी तो आ गई, तो आनन फान में FIR हो जाती है, फिर उसके बाद में मेरी घर की बर्बादी कहानी आप लोग सबको जानता ही है। उनके मैं चीज बात बोल रहा हूँ, अगर फ्रॉड हो रही है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होते हैं, कौन होते हैं? सरकार नहीं तो बैंक होती है, बैंक और प्रशासन होती है, क्योंकि सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। अगर ये अकाउंट में जो तय मात्रा होती है कि इतना बैलेंस रखना उससे कम आती है तो उस पर पेनल्टी लगती है। हर साल इनका मेंटेनेंस चार्ज कटता है अकाउंट में, जब मेंटेनेंस चार्ज कटता है और एक तय सीमा से कम बैलेंस होने के बाद भी चार्ज कटता है, तो हम एक विश्वास के तौर पे हम अपने घर में उस रुपये को ना जमा करके हम बैंक में विश्वास करके हम लोग जमा कराते हैं। और जो SBI इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है, लार्जेस्ट बैंक है, सारे कोई उस पर विश्वास करते हैं, पर वहाँ पर फ्रॉड हो जाती है, वहाँ पर बैंक मैनेजर कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करता। और एक गरीब थे और एक अनपढ़ थे, इसीलिए ऐसे बर्ताव किया जाता है, इनको भगाया जाता है वहाँ से। फिर मनीष कश्यप के पास आते हैं, मनीष कश्यप इनको आवाज़ बनते हैं, मनीष कश्यप पे FIR दर्ज किया जाता है। और फिर इनका जब ये FIR करने जा रहे हैं तो एक साल तक इनका FIR को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, याद रखिएगा, एक साल तक इनकी FIR को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। बाद में हार पास के कोर्ट का सहारा लेकर FIR को एक्सेप्ट किया जाता है, और अभी तक इनका कोई भी कार्रवाई नहीं है। इनके अंततः बाद में क्या होती है, इनके बच्चे की डेथ हो जाती है, जो पैसा अपने बच्चे के लिए इलाज के लिए रखे थे वो पैसे फ्रॉड भी होती है और इनके बच्चे की डेथ भी होती है। चलो पैसे तो कमा लेंगे, चलो पैसे मैं भी दे दूँगा आप लोगों के सहयोग से, हम लोग इनको पैसे दे सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन बच्चे को कौन लौटाएगा? लौटा सकते हो आप? आप मनीष कश्यप पे FIR कर दिए, कुर्की भी हो गया, सब कुछ हो गया, चलो सब कुछ एक्सेप्टेबल, क्या इनके बच्चे को कोई लौटा सकता है? एक माँ का चिराग खत्म हो गया, क्या लौटा सकता है? ये माँ भी उस बच्चे को याद करती जो 14-15-16 साल का साथ बच्चा था, छोटा बच्चा नहीं था, एक जवान होने वाला था बच्चा था, वो खत्म, वो उसकी मृत्यु रहती है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है, कौन देगा? और जो उसकी आवाज़ बनता है उस पर आप FIR करते हैं, वार ए कहानी, वार ए तनाशाही, आप ही भैया, मैं क्या बताऊं, मैं तो इनसे क्वेश्चन कुछ, मैं खुद क्वेश्चन करने आया था कि आप मेरे घर की तबाही का कारण बने हैं, आप क्यों नहीं आवाज़ उठे? मैं तो इनकी कहानी सुना, मेरी आंखों में खुद पानी आ गया, मैं क्या इनसे क्वेश्चन करूं? आप देख सकते कि माँ की क्या हालात है, जब बेटा जब 16 साल का है और जब उस समय गुजर जाता है, और माँ की हालत अभी भी गंभीर है, लगता है कितना मृत्यु कितना दिन हो गया, लगभग 1.5-2 साल हो गया, 1.5-2 साल है, फिर भी बच्चे की माँ, जो माँ होती है, जो ममता होती है, हमेशा के लिए जिंदा रहता है, लेकिन बेटा मरने के बाद भी आज माँ की याद है और रो भी रही है। देखिए इनसे कुछ पूछेंगे नहीं, क्योंकि इनके हालात आप देख सकते थे, आप बैंक के मैनेजर पे किया, अच्छा अब देखिए हमारे केस लगकर के उसने थाना पर दायर एक्शन किया, अब देखिए बैंक के मैनेजर, मुझे कहानी पता रहती है, ये कहानी होती है।